गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू ग्रामर्स टॉपिक दैट इज नाउन. तो व्हाट इज अ नाउन? फर्स्टली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज अ नाउन. नाउन क्या होता है? नाउन सो नाउन जो भी बेटा आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं लाइक पेन पेंसिल नोटबुक बुक ऊपर फैन डोर मिरर बेड ऑल द थिंग्स आर नाउन. सभी का नेम होता है बेटा तभी तो हम उसको उस नाम से बुला पाते हैं. जैसे अब मैं कहूंगी तुम्हें कि हमें फैन को चलाना है फैन ऑन करना है. अगर हमें फैन ऑन करना है तो इट मीन्स तुम्हें फैन ही ऑन करना है, तुम लाइट तो ऑन नहीं करोगे. तो नाउन को हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स. यस, क्या कह सकते हैं हम? नेमिंग वर्ड्स. तो नेमिंग वर्ड्स यानी किसी का नेम, कोई नेम वाले वर्ड्स. तो किसी का भी नेम इस दुनिया में एवरीथिंग इस दुनिया में हर चीज जो है नेमिंग वर्ड्स यानी हर किसी का नेम है तो दैट इज कॉल्ड अ नाउन. सो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. एनीथिंग मीन्स अ पर्सन एन ऑब्जेक्ट अ कंट्री अ क्वालिटी एन एनिमल अ स्टेट अ प्लेस. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इशिता एन ऑब्जेक्ट चेयर कंट्री इंडिया क्वालिटी पंक्चुअलिटी एन एनिमल मीन्स कैट एंड अ स्टेट पंजाब अ प्लेस मानसा. सो मतलब ये जो भी आपको क्लियर किया हुआ उन सब के एग्जाम्पल बताए हुए हैं. तो ये हर चीज का जो नेम होता है दैट इज कॉल्ड अ नाउन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट काइंड्स ऑफ नाउन. व्हाट आर काइंड्स ऑफ नाउन? फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड इज मटेरियल नाउन, फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो यू हैव रेड अप इन योर थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास ऑल्सो. सो लेट मी क्लियर यू इन शॉर्ट. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल इशिता इंडिया रामायणा मीन्स प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ अ प्रॉपर पर्सन प्रॉपर प्लेस. मतलब अब जैसे अगर मैंने इसमें यहाँ पंजाब या मानसा लिया तो दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर सिटी एंड प्रॉपर स्टेट. ओके, अगर मैंने चेयर लिया तो विच चेयर कौन सी चेयर दैट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का प्रॉपर नेम. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन कॉमन नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉमन नेम ऑफ अ प्लेस क्वालिटी एन एनिमल. लाइक अगर मैंने गर्ल बॉय चेयर कार स्टूडेंट जू पर्सन ऑब्जेक्ट कोई भी लिया तो इसमें अगर मैंने क्लास में खड़े होकर ये मैंने ये बोला कि स्टैंड अप यू गर्ल तो मैंने उस गर्ल का नेम नहीं बोला. मैंने तो ये कह दिया कि कोई भी गर्ल गर्ल्स कम हेयर तो गर्ल्स कम हेयर तो कोई भी मैंने ये प्रॉपर नेम बोलकर नहीं कहा कि इसी लड़की को ही मेरे पास आना है. मैंने कहा कोई भी गर्ल आ जाओ कोई भी बॉय आ जाओ. तो एनी स्टूडेंट प्लीज कम हेयर तो एनी स्टूडेंट यानी कोई स्टूडेंट का प्रॉपर नेम देंगे दैट इज अ कॉमन नाउन. थर्ड वन इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन क्या होते हैं? जिससे कोई चीज बनी होती है. कैसे? जैसे आयरन. जैसे अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया चेयर का कि चेयर इज मेड ऑफ वुड. तो वुड क्या है? मटेरियल नाउन. तो जिससे कोई चीज बनी है. अगर हमारा कोई क्लॉथ हमने पहन रखा है तो वो सिल्क का है तो वो सिल्क क्या है? मटेरियल नाउन. नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग एटसेट्रा मीन्स कलेक्शन हम इकट्ठा कर जिनमें बोलते हैं. जैसे अभी हमने फिफ्थ क्लास में भी काफी रीड किया अ हर्ड ऑफ काउज क्लास ऑफ स्टूडेंट्स टीम ऑफ प्लेयर्स फ्लॉक ऑफ शीप. तो इस तरह से ये सब क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन. कि हम उसको एक एक फ्लावर को नहीं गिन के हम उस हमने सीधा डायरेक्ट क्या कह दिया बंच ऑफ फ्लावर्स. ओके, नेक्स्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वी शोज आर फीलिंग्स दैट वी कांट टच बट ओनली वी कैन फील. जिसे हम टच नहीं कर सकते देख नहीं सकते जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. मीन्स हैप्पीनेस. अब किसी की हैप्पीनेस सैडनेस ब्यूटी या लाफ्टर
ये चीजें अगर हम देख, अगर हम किसी को महसूस करें, अगर हमें कोई पर्सन बहुत खुश दिखाई दे रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस, आपकी इतनी खुशी का क्या राज है, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, तो हम उसको फील कर रहे हैं, हमने उसकी हैप्पीनेस को, सैड को, काइंडनेस को, ब्यूटी को, लव को, हेट को, ये टच नहीं कर सकते. तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीन्स फीलिंग ऑफ. सो आपने अब फिफ्थ क्लास में, फोर्थ फिफ्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स भी किया. तो काउंटेबल नाम से ही देखो कैसे क्लियर होता है. नेम ऑल्सो क्लियर्स दैट द काउंट्स, काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कांट बी काउंटेड. अन यानी नेगेटिव सेंस आ गई, ये काउंट यानी पॉजिटिव सेंस. ये काउंट एंड अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल यानी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी जिन्हें काउंट नहीं कर सकते. मीन्स अगर आपके पास मतलब ये लगा लो कि 10 पेन भी है तो आप उसको एटलीस्ट काउंट तो कर सकते हो, लेकिन राइस को, वीट को, उसके कितने भी दाने हो, 1 किलो चावल को भी आप नहीं काउंट कर सकते, हेयर को नहीं काउंट कर सकते. हेयर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. ओके सो